कॉटन गुरु की तरफ से सभी किसान भाइयों को सादर नमन। मार्च महीना चल रहा है, 2020 का साल है। विश्व भर में कोरोना वायरस नाम के एक महामारी रोग ने सभी को बहुत ही चिंतित कर दिया है। चीन से आए हुए इस रोग ने आज पूरे विश्व में अपने पंख फैला लिए हैं और सभी मुख्य देश इससे ग्रस्त हैं और चिंतित हैं। तो कोरोना वायरस से एक तो बिजनेस पे असर होता है, व्यापार पे असर होता है, व्यापार के मानस पे असर होता है। तो कपास, रुई, सूते और कपड़े के बाज़ार में आज जो मानस है वो मंदी का है। कपड़ा बाज़ार में थोड़ी कम असर है, सूता बाज़ार में उससे कम असर है, पर रुई और कपास में इसका असर हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस महामारी का, कोरोना वायरस महामारी का। पर इस वीडियो में मैं आपको ये खास बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस तो महामारी हम तक आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक और महामारी कपास के खेतों में आ चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इन चार मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में एक ऐसी महामारी आ चुकी है जिसका अंदाज अभी भी बहुत सी गवर्नमेंट ऑफिसेस में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में और कृषि विज्ञान केंद्रों में उतनी सीरियसली नहीं ली गई है, जिसका नोट उन्होंने उस तरह नहीं किया है। ये है कॉटन बॉल रॉट, कपास के बॉल की सड़न। हमें 3-4 सालों से पिंक बॉल वर्म या गुलाबी इल्ली या गुजराती में जिसको गुलाबी ईयर बोलते हैं, इन सब डिजोसिव रोगों के बारे में तो बताया जा रहा है तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करना। फिर भी अभी 2020 में भी या 19 में भी चार राज्यों में एक ही समय पे पिंक बॉलवर्म का अटैक हमें देखने को मिला है। हमने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है। कॉटन गुरु की टीम 2 सालों में करीबन 30,000 किसान को प्रत्यक्ष मिल चुकी है। 600 गांव में हम जा चुके हैं। हर पीरियड में जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक हमने खेत में कॉटन की पूरी परिस्थिति का हमने स्टडी करने के बाद ये हमारा निष्कर्ष है कि पिंक बॉल वर्म तो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। किसान भाइयों, हमारे लिए बॉल रॉट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले बॉल सड़ता है, उसके बाद अंदर बॉल वर्म होता है। बॉल वर्म कहीं से आता नहीं है, बॉल के अंदर ही होता है। गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला के इनविटेशन पे हम अभी अमरेली गए थे। कॉटन गुरु की टीम 5 मार्च को अमरेली विजिट के लिए गई थी। वहाँ के बहुत बड़े बड़े किसान उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग में हमने जब किसानों को बताया कि ये पिंक बॉल वर्म कहाँ से आता है और ये बॉल रॉट क्या होता है, सभी अचंभे में पड़ गए। उन्होंने सबने एग्री किया कि बहुत सारे कॉटन बॉल्स ऐसे उन्होंने देखे हैं खोल के जिसके अंदर बॉल सड़ तो रहा था अंदर से, पर बॉल बम कहीं नहीं मिला। तो अगर बॉल बम नहीं है तो सड़न आई कहाँ से, और अगर सड़न है और बाद में बॉल बम आया है तो ये रोग क्या हम जानते हैं, पहचानते हैं? तो ये हमारा आह्वान है सभी कृषि विज्ञान केंद्रों से, वैज्ञानिकों से, सरकार से और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, इस मैटर को बहुत ही सीरियसली लीजिए। किसान भाई, आप भी आपके खुद के आधे डॉक्टर तो आपको बनना पड़ेगा। आज 4 राज्यों में एक ही समय पे ये रोग आना छोटी बात बिल्कुल नहीं है। ये महामारी का पूरे पूरा अंदाज इसका हम आपको दे रहे हैं। 2015 से ही भारत में शुरू हो चुकी है, गुजरात से 2017 में अक्टूबर में महाराष्ट्र में जब आई थी तब भी हमने, कॉटन गुरु ने इसका रिपोर्ट दिया था। उसके बाद नवंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको फ्रंट पेज में दिया, तब फिर भगदड़ मच गई थी। लेकिन हम इसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड पिकिंग में हमें ज़्यादा दिख रहा है। जिस दिन ये फर्स्ट पिकिंग में ज़्यादा आ गया, भारत के कॉटन के क्रॉप को बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। तो आज गुजरात सरकार ने इस बात का नोट लिया है, जो हमने वहाँ पे रिपोर्ट दिया है वहाँ के किसानों ने माना है। महाराष्ट्र में विदर्भ के तो काफ़ी किसान इस बात को मान चुके हैं, लेकिन जब तक इस पे कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्या ये सीड का प्रॉब्लम है जो कुछ जीन हम उसमें ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, या कोई दवाई का आविष्कार यहाँ ज़रूरी है जो प्लांट्स में रूट के थ्रू हम पहुंचा सके उस कॉटन बॉल फॉर्मिंग स्टेज पे, कि वो सडन वहाँ पे ना बने या सडन फर्स्ट स्टेज पे रुक जाए, तो हम काफ़ी कपास का क्रॉप, कपास के किसान और अल्टीमेटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहाँ पे मदद कर पाएंगे। तो आप सभी इस बात का नोट करिए,
और इस बात को ध्यान में रखिए, अपने खेतों में जाइए, अभी भी जो जो बॉल नहीं खुले होंगे उन बॉल्स को देखिए और उन बॉल के अंदर आप ढूंढिए, काफ़ी सड़न आपको मिलेगी, पर शायद पिंक बॉल को वहाँ ना मिले। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, महामारी की शुरुआत हो चुकी है और इसका सॉल्यूशन इमीडिएटली हमें लाना बहुत ज़रूरी है। और कॉटन गुरु ये अपनी ड्यूटी समझ के आप सभी के सामने इस बात को लाने की नम्र कोशिश कर रहा है। आपको आगे की सीजन के लिए और इस रोग के निवारण के लिए सभी को शुभ मंगल कामना।